हाउ इज़ इट गोइंग गाइस, तो मैं नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो ये वीडियो तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट होने वाला मेरा हर वीडियो से। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट तुम लोगों को गेम प्ले दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों को गेम प्ले दिखाता हूँ, कैसा प्ले करता हूँ वो सब। तो इससे पहले मैं गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले अब से मैं तुम लोगों को कोई कोई वीडियोज़ में जो पोकेमॉन बहुत दिन से मैं खेलते आ रहा हूँ, जिसका कॉम्बो सब मैं सीख किया, वो सब का कॉम्बो सब भी मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताते आऊँगा। तो चलो इसमें सबसे पहले मैं तुम लोगों को आइटम्स दिखा देता हूँ। यही आइटम्स है, ये आइटम्स बहुत मुझे मज़ा आ रहा है नाइनटेल में खेलने के लिए, और इसमें इजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे जाके तुम लोगों को दिखाऊंगा। और उसके बाद ये एम्ब्लेम पेज है, तो ये स्पेशल वाला एम्ब्लेम पेज है। तो ये सबको अगर तुम नोट डाउन करना चाहते हो या फिर कॉपी मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलो अब मैं तुम लोगों को चलता हूँ प्रैक्टिस एरिया में, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन सा कॉम्बोज यूज़ करता हूँ तुम्हारा खेलते खेलते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया, और अब मुझे सबसे पहला तुम्हारा पावर स्पाइक तुम्हारा नाइनटेल का आता है लेवल 4 में, जहाँ पे तुम लोगों को एवलेंच मिल जाता है। एवलेंच उतना ओपी मूव नहीं है स्टार्टिंग के हिसाब से मैं बोलूँगा, लेकिन काम का है, स्टार्टिंग में तुमको ठीक ठाक मदद कर लेगा। तो वही अगर कोई एनिमीज भागते रहता है तो उसके आगे में मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारा एवलेंच लगाने का। जैसे ही तुम अगर कोई भागने लगेगा स्कोर स्कोर करके और एवलेंच आगे लगाओगे तो टीम मेंबर भाग नहीं पाएगा, तुम अच्छा खासा स्टेंस दे सकते हो। अगर तुम अच्छा तुम्हारे पास लैंड पार्टनर है तो तुम दोनों मिलके उसका KO भी कर सकते हो। तो यही वाला फर्स्ट वाला कॉम्बो है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो वो चीज़ तुम लोग देख लेना। वैसे एक और कॉम्बो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट वाला 20 में यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए तुम लोग को ना अपना तुम बेसिक अटैक को ना थर्ड अटैक तक बनाना रहेगा। तुम लोग जानते हो कि हर 2 बेसिक अटैक के बाद थर्ड अटैक पड़ता है जिससे तुम ठीक ठाक कर सकते हो। तो उसमें तुमको बेसिक अटैक 2 चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको वो यूज़ कर सकते हो। फिर तुम्हारा ब्लीजार्ड है भाई, 6 लेवल में आता है, ब्लीजार्ड का बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, तुम जानते ही हो। तो इसमें तुम्हारा ये सबसे मेन वाला कॉम्बो है, तो ये है तुम्हारा पहला पावर स्पाइक वाला। इसमें तुम पहले ब्लीजार्ड मारते हो, उसके बाद एवलेंच मारते हो, और उसके बाद देखो क्या ही तुम स्टैंड कर सकते हो एनिमीज को। तो ये वाला चीज़ थोड़ा ध्यान देना, इसमें कुछ खास नहीं है। और इसमें तुम एवलेंच भी मार के तुम ब्लीजार्ड मार सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं रहता, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे एनिमीज को पता चल जाता है कि जैसे ही एवलेंच लगाते हो कि तुम ब्लीजार्ड मारने वाला है। इसलिए हमेशा ब्लीजार्ड मारो, उसके बाद एवलेंच मारो, ताकि एनिमी सरप्राइज भी हो और अच्छा खासा डैमेज भी दे पाए। तो वो चीज़ ध्यान दो। तो अगर एक अच्छा कॉम्बो बनाना चाहते हो तो ये वाला कॉम्बो है तुम्हारा, एकदम कर सकते हो। तुम्हारा यही कॉम्बो को तुम बाहर तक यूज़ करते हो, मिड गेम तक यही चलता है। उसके बाद तुम्हारा है लास्ट तुम्हारा यूनाइट। अब यूनाइट भाई बहुत ही ओपी चीज़ है, इसलिए मैं तुम लोग को अब बताता हूँ कि इजेक्ट का कैसे यूज़ करते हैं। इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, तुम्हारा इजेक्ट जब तुम अल्टीमेट मारते हो ना तो इसमें 2 वेव आता है, ठीक है, इसलिए दोनों वेव का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये कॉम्बो में एक चीज़ करना, पहले तुम 2 बेसिक अटैक जमा कर लो, उसके बाद ब्लीजार्ड मारो, उसके बाद एवलेंच मारो, उसके बाद इजेक्ट से मार के अंदर घुस जा, तो देख लो क्या ही खतरनाक डैमेज दे रहा है गाइस। यही वाला कॉम्बो को तुम लास्ट तक यूज़ करते रहोगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में देख लेना, फिर से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले 2 बेसिक मारो, ब्लीजार्ड मारो, एवलेंच मारो, अंदर घुसो और यूनाइट मारो। यही कॉम्बो को तुम लास्ट तक चलाते रहोगे, ढेर सारे एनिमीज को पोजिशन को तुमको ध्यान देना है और तुम कर सकते हो। तो देख लो गाइस, यही था तुम्हारा मेन वाला कॉम्बो, यूनाइट का और इजेक्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा सिनर्जी है। उसके बाद फिर देख लेना, मैं ये वाला कॉम्बो तुम लोग को बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला चीज़ को तुमको यूज़ करना है। अब देख लो, तुम्हारे पास हमेशा एवलेंच यूज़ करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे तुम भागते रहोगे तो तुम्हारे पास बैटल के समय में टाइम नहीं रहेगा, तो उस समय तुम नॉर्मल वाला वाल का भी यूज़ कर सकते हो ब्लीजार्ड मार के। तो वो चीज़ भी ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ से भागते रहूँगा, हमको पीछे से कोई चेस करेगा, मैं ब्लीजार्ड मार के भागूंगा। और ऐसे ऐसे पोजीशन में जहाँ पे 2 वॉल्स रहते हैं वहाँ पे किले भी बहुत ओपी रहता है। तो देख लो, एवलेंच मारने का समय नहीं रहेगा हमेशा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो उस समय ब्लीजार्ड को तुमको नॉर्मल वाल के ऊपर भी तुम यूज़ कर सकते हो। तो अभी तुम आगे में जाके देखोगे गेम प्ले तो उसमें वहाँ पे देखना, मैं बहुत जगह में ब्लीजार्ड नहीं मारता हूँ, मतलब एवलेंच नहीं मारता हूँ और ब्लीजार्ड का बस यूज़ करता हूँ। तो वो तुम्हारा एकदम बैटल के समय में तुमको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देख लो गाइस, यही था कॉम्बो। और तुम भाई इजेक्ट का यूज़ तुम 2 तरीका से यूज़ कर सकते हो। तुम पहला तरीका तो वही है कि तुम बैटल में घुसने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर बैटल से भागते हुए यूनाइट मारते हुए निकल सकते हो, तो ये भी तुम्हारा डराने के लिए रहता है। तो यही सब कॉम्बोस था गाइस, देख लेना, बहुत ही ओपी चीज़ है। तो चलो अब हम लोग मेन बैटल में चलते हैं। तो गाइस चलो हम लोग गेम में आ गए। तो देखो ये वाला गेम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तुम सामने वाले मेंबर्स को देखो भाई, तुम्हारा जीशियन है, तुम्हारा स्नोरलैक्स है, बहुत ही ओपी ओपी पोकेमॉन्स रखा हुआ है सामने वाला टीम भी। तो और ये भी जेशियन के पास तुम्हारा फुल हील भी है। तो देखो ये वाला गेम बहुत ही दमदार हुआ था। इसमें हम लोग 2 स्टैक्स खेल रहे थे मेरे दोस्त के साथ, और हम लोग को 3 स्टैक्स का बंदा लोग भी मिल गया था, जो देख लो ऊपर में 3 बंदा है, और नीचे में भी वही था, 3 स्टैक्स और 2 स्टैक्स किए हुए थे, और सामने में ब्लीसी भी था। अगर ब्लीसी भाई तुम्हारा स्टन हटाने वाला मूव खेलता है तो बहुत ही मुझे परेशान करेगा,
बट अगर वो मूव नहीं खेलता, हीलिंग वीलिंग वाला खेलता है, तो भाई देखना इतना परेशान करके रख देंगे ना कि क्या होता है। अभी नाइनटेल जितना ब्रोकन चल रहा है ना, हमको लगता नहीं है कोई मोन उतना ब्रोकन है अभी, इतना खतरनाक है कि क्या बताएं। उसके बाद चलो हम टॉप में चल रहे हैं, मेरे टीममेट्स मेरे साथ ऊपर चल रहा है, वो भाई उसीफू खेल रहा था जो हम लोगों के लिए बहुत ही काम आएगा, क्योंकि जानते हैं उसीफू को नर्फ मिला है, फिर भी वो कितना ओपी पोकेमोन है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कम एचपी कर दूँ उसका मोब, ताकि भाई वो तुरंत जाके स्टैक्स करने पाएगा। आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना गाइस, फिर से मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, बहुत लोग भाई यूज़ नहीं कर रहे, तुम्हारा एकदम आगे वाला पोकेमोन को डैमेज नहीं दे रहे करके, सोलो क्यों खेलता तो परेशान हो जाता हूँ, तो वो चीज़ के लिए देख लेना भाई। मैं यहाँ पे अपना टीममेट्स को यहाँ पे बचाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ही पकड़ लेता है ये लोग, देख रहे हो भाई। और ये भाई इसको देखो, ग्रेनिंजा को देखो कितना ओपी बन रहा है। अरे यार इसका क्या बोले भाई, अटैक स्पीड ज़्यादा है मेरे से, उसके चलते बस फाइट जीत दिया ना, तो इसको यहाँ पे बहुत ही गंदा केओ करने वाले थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमको लेवल 4 चाहिए सबसे पहले वाला, पावर स्पाइक वही रहता है तो लोगों को कैसे भी करना है। लेकिन सामने में भाई स्नोलेक्स है ना, इसके चलते बहुत परेशानी हो रहा है। और ये स्नोलेक्स तुम्हारा अच्छा है कैसे बता सकते जानते हैं, क्योंकि ये बंदा खेल रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस है। तुम्हारे खराब स्नोलेक्स प्लेयर कभी एक्सपीरियंस है नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। जो अच्छा प्लेयर है उसको मालूम है कि क्या एक्सपीरियंस शेयर का वैल्यू है, वही लोग खेलता है ये वाला चीज़ को। तो चलो हम लोग का जोरो आया हुआ है तुम्हारा गैंग करने के लिए, बहुत ही मस्त। और हम लोग इजीली यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे तो छुपा हुआ था हम लोग, भाई ये बीज लेने भी आगे आए हैं नहीं, इसके चलते हम लोग को पता भी नहीं चला कि ये लोग आया हुआ है गैंग करने वाला है, जिसके चलते देखो हम लोग यहाँ पे थ्रो कर दिया। भाई बहुत ही खराब गैंग किया है भाई, हम लोग का जंगलर को निकाल लिया ढेर कोई को, बीज तो हम लोग को मिला लेकिन भाई अच्छा खासा लेवल ले लिया हम लोग से, अब डंक भी कर रहा है जितना भी पॉइंट्स था उन लोगों के पास। बहुत ही ख़राब स्टार्टिंग था हम लोग का, लेके भाई 30 डाल दिया, देख रहा फर्स्ट लेन हम लोग हार गए भाई, बहुत गंदा। और ग्रेनिंजा का देखो भाई यहाँ पे स्टैक कर रहा है भाई, फिर भाई बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का अभी ना, उस सिफू को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। उस सिफू जब तक बड़ा नहीं होगा ना, थोड़ा सा परेशानी तो होगा करके। और तुम्हारा यहाँ पे भाई बंदा को परेशान ना करे, और देखो अब होगा ये लोगों का पिटाई, क्योंकि उस सिफू बड़ा हो गया। अब हम मेरा पावर स्पाइक को हम लोग को ध्यान देना है, हमको लेवल 6 चाहिए तब मेरा ब्लिजार्ड आ जाएगा, उसके बाद देखना क्या ही ये लोगों को धोएंगे भाई। इतना ओपी पोकेमोन है ना नाइनटेल, बता नहीं सकते हमको भाई, मजाक नहीं कर रहे, हमको 1% तुम्हारा विन रेट बढ़ा दिया ये पोकेमोन। इसको खेलते जा रहा था क्योंकि ये पोकेमोन वैसा फील भी नहीं आ रहा था कि भाई मैं अब यूज़ कर रहा हूँ गेम को, और इतना ओपी है कि क्या बताएं। तो वही चीज़ था यहाँ पे, देखो ग्रेनिंजा आके भाई मेरा टीममेट्स को निकाल दिया, कोई बात नहीं। अभी भी मैं थोड़ा सा सफ़र कर रहा हूँ, देखो मैं जाके एनिमीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया डायरेक्ट, ठीक है। मैं ब्लिजार्ड लेने का कोशिश किया ताकि मेरा नेक्स्ट 20 फाइट में हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा फाइट लेने पाए। अरे भाई मेरा ये तो बहुत ही आगे निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, कॉम्बो निकाला है, तब तक के लिए मैं इन लोगों को थोड़ा इसको हेल्प करता हूँ, इसको स्टन करके बचाने का कोशिश करता हूँ, कहीं भाई केओ ना हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग इस लोग को परेशान करने वाले खतरनाक, ये घुसा अंदर और उसके बाद यहाँ ब्लिजार्ड मारे हैं। देखो स्नोलेक्स थोड़ा देर के पूरा एकदम कुछ करने नहीं पा रहा है भाई, क्या ही है। उसके बाद ये बहुत आगे से खेल रहा है, इसको देंगे बहुत गंदा टाइप का, लेकिन देखते हैं। फिर मेरा टीममेट्स घुसता है तो हम भी हेल्प करने आ जाते हैं, यहाँ पे देखो स्नोलेक्स को भी मेल्ट कर दिए, क्या ही खतरनाक वाला। उसके बाद यहाँ पे ये बचा हुआ है बस, इसको भी ले लेंगे, और देखो एक कॉम्बो में ये भी गया, नाइस। उसके बाद अरे यार ये निंजा कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, इस निंजा को भी निकालता है तुरंत, मेरा बंदा क्या मालूम तुरंत अल्ट मार दिया कोई बात नहीं। एक चीज़ अच्छा नहीं हुआ हम लोगों के लिए कि हम लोग भाई परफेक्ट तोड़े हुए हैं, तो जिसके चलते बहुत ही ख़राब होगा। हम लोगों को थोड़ा सा ओवर स्टैक करने का देखना चाहिए था, लेकिन एकदम बार बार ये लोग आए जा रहे थे ना, इसलिए हम मौका नहीं देना चाह रहे थे। हम 5 स्कोर किए, हमको मालूम था मेरा टीममेट्स भाई तोड़ देगा करके, अच्छा कोई बात नहीं, उतना नहीं डिफ पड़ता है। अभी हम लोग रेजी लेके लेंगे तो उसका मैनेज कर ही लेंगे, अभी नेक्स्ट तक पुश करेंगे ना, वो भी बहुत ओपी रहेगा। अब चलो हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं 1 फार्म लेने का, और नीचे में जाकर रेजी लेने का। मेन वाला रेजी नीचे वाला है भाई, हम बता रहे रेजी लेके के ऊपर ज़्यादा वो मत रहो, नीचे वाला रेजी लो, वो ज़्यादा काम आएगा। देखो मेरे पास अल्ट आ गया, अभी मेरे पास है कॉम्बो बनाने का, अब देख लेना। यहाँ पे देख रहे हैं ब्लिसी भाई, ब्लिसी आ गया, हमको बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसके जेशियन के ऊपर। वैसे जेशियन को अच्छा काउंटर कर सकते हैं, और देखो क्या ही भाई, कम से कम एक बंदा को निकालने पर, और यहाँ पे जेशियन को पकड़े हुए हैं, और भाई हमको मिल गया लकली, नाइस। और देखो इतना स्टंस रहता है ना कि सामने वाला टीममेट्स कुछ करने ही नहीं पाता, आगे जाके क्या करेगा। और यहाँ पे भाई ब्लिजार्ड मेरा एवलेंस दबा ही नहीं ना, तो मैं इजी यहाँ पे कर देता। चलो हम लोग ये वाला भी तोड़ देंगे अब लग रहा है, और ये भी गया, चलो नाइस। अब मेरे अल्ट चला दिए, अब मेरे पास एक ही काम है, हमको अल्ट वापस लाना है नेक्स्ट फाइट से पहले, यही चीज़ है। देख लो भाई नाइनटेल को खेलना बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है ना, तुमको सेट ऑफ रूल्स रखा हुआ है वही चीज़ को फॉलो करते रहना है। हम अल्ट मारे, अब हमको अल्ट चाहिए दोबारा, और इसलिए मैं खेल रहा हूँ तुम्हारा एम्पलीफायर, ठीक है ना, तुरंत अल्ट चार्ज होता है,
कुछ फार्म्स लेंगे और अल चार्ज होगा। तुम्हारा नॉर्मली जैसा डेल्फोक सबकल्ट है वैसा तो नहीं है कि बार बार मार सकते हो, बट मार सकते हो, ठीक है ना, अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो। इसलिए तुरंत तुरंत मैं फार्म कर रहा हूँ और देखो मेरा 100% अल्ट भी तुम्हारा अब आ ही जाएगा, 4-5% बचा हुआ वो भी तुरंत हो ही जाएगा। कुछ फार्म्स चाहिए जिसके चलते हमको लेवल भी मिल गया, अब हम लोग लेवल 11 हो गए। वैसे ना हमको लगता है ना ब्लिज़र्ड प्लस का उतना कुछ है नहीं खास, शायद लेवल डैमेज वैमेज थोड़ा इंक्रीज करता हो। देखो भाई वाल का सारा देख रहा है, वेवलेंच मारने का जरूरत भी नहीं पड़ता है कभी कभी। और यहाँ पर चलाने का बहुत अच्छा समय है, दो बंदा है और इन लोगों को एकदम सर्वाइव करने का मौका ही नहीं देना है। और नाइस, देखो अभी लोगों का 20 लेते हैं तुरंत, उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको लेने का। भाई कोई तो नहीं मिल रहा, चलो कम से कम एक कप मिल गया, कोई बात नहीं। हम पुश नहीं करना चाहते, मेरा टीममेट्स लोग भाई पुश कर रहा है उतना ज़्यादा। देखो रेगुलर पुश करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बार बार बिना मतलब का पुश। देखो वो लोग गया और मर गया और वो लोग अच्छा खासा एक्सपी दे दिया होगा। भाई रिकवर एक्सपी क्यों देना है जब तक ले तुम्हारा टीममेट्स तुम्हारे साथ पुश नहीं कर रहा है, बताओ, ये चीज़ ठीक बात नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ जेशियन को भाई हम बता रहे हैं, जेशियन को सबसे इजीली काउंटर करता है तुम्हारा नाइनटेल। तुम्हारा कोई चढ़ेगा तुम्हारा जेशियन तेरे ऊपर, अब ब्लिज़र्ड मार के तुम एक बार कॉम्बो में फंसा दिए ना तो हो गया। उसके बाद कोई भी पोकेमोन जो तुम्हारा यूज़ करता है ना, फुल हील यूज़ करता है, फुल हील को पहले यूज़ करने दो, ठीक है, उसके बाद ब्लिज़र्ड का कॉम्बो मारो, वो लोग फिर टर्न होगा। फुल हील का ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए उतना कुछ या हार्म नहीं करता उतना ज़्यादा, लेकिन अगर तुम सही समय में यूज़ करते हो तो फुल हील यूज़ करवाने के बाद तुम अच्छा खासा निकाल लोगे। और चलो ये लोग यहाँ पे तुरंत तुरंत ये लोग को मेल्ट कर दिया, मेरे टीममेट्स लोग ख़राब नहीं खेल रहा था, अच्छा खासा ये लोग भी खेल रहा था और निकाल ले रहा था सारा फाइट सब। देख लो हम मरे हुए थे कितना देर के लिए भाई, हमको तो लग रहा है हम कितना देर से मैच देख रहे हैं ये लोग का खेलते हुए, इतना देर से मरे हुए थे, समझ रहे हो ना, इतना ही स्टार्टिंग में धोया है कि हमको इतना बड़ा कूल डाउन दे दिया था। और चलो हम फिर से एक बार अपना लेवल लेते हैं, कुछ लेवल 13 हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई जीशियन तो फ्रीली ले लिया रेजी गाइस, कोई बात नहीं, उतना एक्सपी मैटर नहीं करेगा अब लगता है। जैसे जैसे तुम हाई लेवल जाते जाते हो ना, एक्सपी उतना मैटर नहीं करता है जो तुमको रेजी से मिलता है। और नाइस, देखो यहाँ पे दो बंदा को निकाला और ये दोनों आया हुआ है और ये दोनों भी गया। और देखो हलोंग पहुँच गए 4 के स्ट्रीक में, समझ रहे हो, और हलोंग लेवल 13 हो गया। और तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई 3 मिनट में हम अल्ट चलाएं करके नहीं आएगा, भाई इसलिए तो हम एम्पलीफायर खेल रहे हैं। अगर तुम एम्पलीफायर खेल रहे हो जो पोकेमोन यूज़ कर सकता है उसमें तुम पक्का ले सकते हो। और देखो मैं यहाँ ब्लिज़र्ड मारा हुआ, मिल जा भाई मिल जा, और नाइस वो जेशियन तो भाई पूरा गर्मा गया होगा, उसका रेड बफ चोरी करके आ गए इतना ज़्यादा गुस्से में होगा कि क्या बता। चलो एम्पलीफायर खेल रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा ऐसे ही खड़े रहोगे और तुम्हारा अल्ट आ जाएगा, तुमको फार्म करना पड़ेगा कुछ, समझा। और मेरा टीममेट्स लोग पुश कर रहा था इसलिए माइक ऑन करके मैं बोलता हूँ कि भाई पुश मत करो, फालतू हो जाएगा, यहाँ पे मरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंकफुली वो लोग मेरा बात समझ जाता है, उसके बाद वापस आ जाता है। उसके बाद चलो हम लोग यहाँ पे तुरंत तुरंत फार्म करते हैं जितना भी फार्म्स कर सकते हैं। और देखो 70-80% अल्ट आ गया, अभी भी नहीं आया, देख रहे हो ना, हमको थोड़ा सा, हम तो ज़्यादा लेट से चलाए हमको मालूम है, फिर भी हम फार्म्स कर रहे हैं जिसके चलते हमको लगभग मिड फाइट में आ जाना चाहिए। अगर मिड फाइट में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा इन लोगों को फाइट एक्सटेंड करना है बस, ठीक है ना। अब मेरा अल्ट आ ही गया और ये देखो बंदा को, इसलिए तुम भाई एनिमीज गोल की तरफ नहीं घूमना चाहिए लास्ट फाइट के पहले। देखिए तो क्या ही ब्लिज़र्ड पड़ा था, उसके बाद म्यू का भाई स्नाइप में खतरनाक ही आ गया था। उसके बाद चलो थोड़ा देर वेट करते हैं, एकदम तुरंत तुरंत आगे निकलेंगे ना तो कोई भी एनिमीज जो स्नाइपर या फिर कोई भी असैसिन टाइप का पोकेमॉन वो टारगेट कर सकता है हमको, ठीक है, थोड़ा सा उसी के लिए तुमको ध्यान से रहना है। वैसे मेरा टीममेट्स लोग फ्लिप कर रहा है कि क्या कर रहा है नहीं मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहे हैं और भाई यहाँ पे लगता है फुल फ्लिप हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे भाई देख रहे हो स्नोलेक्स फुल ट्राई कर रहा है यार। उसके बाद यहाँ पे अल्ट मारने का सही समय आ गया, घुसते हैं, मिल जा भाई मिल जा, और नाइस किसे मिल गया, पिकाचू से मिल गया भाई। यहाँ पे तो लग था, पूरा लग था, लेकिन कोशिश किया था भाई, हम भी टारगेट करने का कोशिश किया था। वैसे यहाँ पिका को डालने देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास शील्ड है यहाँ पे, मैं भाई वही रहता कि अगर मैं डाल देता तो फिर पिकाचू को प्रॉब्लम होता सेंटर में डालने के लिए, अगर वो लोगों का टीममेट्स आ जाता है तो, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पे उसको डालने दिया, उसके बाद आके सेंटर में डाला। और नाइस देखो क्या ही फाइट था भाई, एकदम परेशान करके रख दिए ये लोगों को पूरा मैच में, देख रहे हो नाइनटेल का पावर, इसलिए मैं बोल रहा गाइस नाइनटेल के लोग बहुत ही ओपी चल रहा है, बहुत ही खतरनाक। और ये देखो ये बंदा लोग हमको चेस करने वाला है, पक्का परेशान करेगा खतरनाक टाइप का। देखो मैं एवलेंच कभी कभी नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, मैं जब नहीं कर सकता एकदम नहीं बटन दबा सकता तो नहीं करता हूँ। और देखो यहाँ पे ये लोग भाई बहुत परेशान हो रहा है मेरे से, बेचारे एक तो नाइनटेल को दौड़ाने नहीं पा रहा, उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टन, अरे यार स्नोलेक्स कहाँ से आ गया, ये तो मेरा मजा को पूरा ये कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ स्टन देता हूँ और यहाँ पे फिर देखता, अब लगता है मैं गया काम से, और कम ब्लिसी को उठा लिए देख लो। और सब कोई एक एक एचपी में है,
समझ रहे हो क्या ही खतरनाक बुली की है ये लोगों को, सोलो बुली की है भाई, एकदम नाइनटेल गजब ही ब्रोकन चल रहा है। अभी खेलो गाइस नाइनटेल को, बहुत ओपी पोकेमोन है और तुम लोग को क्या बोले मजा आ जाएगा। चलो तो एंड स्टैट्स देखते हैं क्या किए हैं इस मैच में। भाई हमको तो लग रहा है खतरनाक ही चला गया है मैच, एंड स्टैट्स देखने में पता चलेगा अभी। और देखो 635 के वालों 283 और देखो 20 किल्स और 6 असिस्ट, क्या ही भाई। वैसे हमको लग तो रहा है कि थोड़ा मोड़ा किल चोरी किया है, बट उतना भी नहीं था कि भाई हम बस किल चोरी कर रहे थे, हम देख रहे थे अच्छा से खेल भी रहे थे। अब चलो देखते हैं क्या है और डैमेज देखते उससे पता चलेगा। और देखो 35% पूरा टीम का डैमेज दिए, 132K का डैमेज है, क्या ही खतरनाक मोन है भाई। इतना ब्रोकन देख रहे हो ना, इतना उशिफु सब मोन है लेकिन नाइनटेल का डैमेज ज़्यादा निकल रहा है, तो उससे समझ जाओ। ऐसा भी नहीं था कि सामने वाला टीम बहुत ख़राब था करके, वो लोग भी फुल ट्राई आर्ड कर रहा था, वो लोग के पास नॉलेक्स था भाई, फिर तुम्हारा ब्लीसी था, समझ रहा, जेशियन था, वो सब पोकेमोन को तुम इतना हार्ड काउंटर कर सकते हो नाइनटेल से। तो देख लो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, बताओ मुझे कमेंट्स पे। अच्छा लगा तो लाइक और सब करना मत भूलना। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।